बारिश की वजह से सब्जियां महंगी होने लगी है। इनमें से खासकर वह सब्जियां जो दूसरे राज्यों से वो महंगी हो रही हैं। 20 से 30 फीसदी तक यह सब्जियां होलसेल में महंगी हुई हैं। लोकल में आने के बाद रेट पर और भी ज़्यादा असर पड़ने लगा है। दूसरे राज्यों से आ रहे टमाटर से लेकर शिमला मिर्च, नींबू और हरी मिर्ची तक महंगी हो गई है। आपको बता दें कि कई राज्यों में तेज बरसात होने के कारण पर्याप्त माल नहीं आ पा रहा। यहां तक कि सबसे नज़दीक MP से आने वाले टमाटर भी महंगे हो गए हैं। हालात यह है कि मंडी में 50% से ज़्यादा सब्जी मौजूद समय पर दूसरे राज्यों से आती है। आपको बता दें कि बिहार और मध्य प्रदेश से आसानी से माल आ जाता था, मगर अब वह माल समय से नहीं आ पा रहा। जो माल 2 दिन में आता था उसे आने में 4 दिन लग रहे हैं। इसके अलावा वहां बारिश की वजह से पैदावार पर भी असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से वहां के कारोबारियों ने सब्जियां महंगी कर दी हैं। आपको बता दें कि लखनऊ से लेकर बाराबंकी, फैजाबाद, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, संडीला, उन्नाव, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर समेत कई जगहों पर जाता है। दुबग्गा और सीतापुर मंडी को मिलाकर 100 से ज़्यादा ट्रक माल आता है। इसमें आलू, प्याज और टमाटर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इन मंडियों से ही सभी सुपरमार्केट मॉल में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।